सो हेलो गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ कोलकाता का जादवपुर एरिया में और आज आपको दिखाएंगे मोमो मोमो का ब्लॉग। यहाँ पे मतलब हम लोग बहुत सारे जगह का मोमो खाया, बहुत सारा वैरायटीज का मोमो खाया, बट आज ऐसा जगह खाएंगे, ऐसा जगह लेके आए जहाँ पे बस मोमो ही मिलते हैं। मोमो का बहुत सारा फ्यूजन है, शॉप का नाम ही है मोमो अमोरे। अगर आप कोलकाता से हो तो कोलकाता में मियाँ अमोरे बहुत फेमस है केक शॉप, उससे आप बहुत फेमिलियर हो, बट मोमो अमोरे उसी जैसा नाम दिया है। तो आपको दिखाते हैं कितना सारा वैरायटी मिला, जो पीछे वही देखो मोमो अमोरे आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या वैरायटीज है, नॉर्मल से शॉप है, आपको दिखाते हैं क्या क्या वैरायटीज है, क्या क्या कॉम्बो, बहुत सारे बहुत अवेलेबल कॉम्बो अवेलेबल रहते हैं, फ्री आइटम अवेलेबल, बहुत सारे ऑफर रहते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं वो सब क्या क्या आइटम है। सो गाइस देखो मोमो अमोरे यही है सामने से, मोमो अमोरे, और इनका देखो मेन्यू, देखो कितना मेन्यू है, सब सामने पूरा मेन्यू लिखा हुआ है, कितना सारा वैरायटीज आप देख लो। अभी जाके ऑर्डर देते हैं और क्या क्या वैरायटीज आपको सब दिखा देते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो नाम है मोमो अमोरे कोलकाता में, अगर आप कोलकाता से आपको मियाँ अमोरे बहुत आप उससे बहुत फेमिलियर हो गए, बट ये न्यू मोमो अमोरे सिर्फ ओनली मोमो का बहुत सारा फ्यूजन है। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या है इनके पास। तो अगर आप इनका मेन्यू देख लो, नॉर्मल ये मेन्यू है, यहाँ पे बहुत सारा कॉम्बो है, फ्री आइटम है बहुत सारा, आप देख लो आस्ते आस्ते वीडियो को पॉज करके देखो इतना कुछ है। रैप में देखो रैप है, वेज रैप है, वेज कॉर्न रैप है, बहुत सारा प्राइस आप देख लो, अच्छा से वैराइटीज़ बहुत है इनके पास। देखो लास्ट में देखो ये जो मोमो प्लेटर प्लेटर है ये हमने ले दिया है 149 का प्राइस, और ऐसा कुछ इनका मोमो है, 5 तरीका का मोमो होता है, 2 पीस करके मतलब टोटल 10 पीस रहता है 149 में। जब आते हैं तब आपको दिखाते हैं क्या क्या मोमो है, क्या क्या मतलब क्या क्या वैराइटीज़ का मोमो उसमें मिलता है मोमो प्लेटर में। पहला आइटम हम लोग मोमो प्लेटर ले लिया, 149 प्राइस है, 10 पीस। देख लो गाइस यहाँ पे कॉम्बो भी अवेलेबल है, कॉम्बो है। तो देखो यहाँ पे फ्री आइटम भी, जैसे 12 पीस विंग लिए तो 2 पीस विंग फ्री मिलेगा, 14 पीस मिलेगा टोटल, 12 पीस स्ट्रिप लिए तो 2 पीस स्ट्रिप्स मिलेगा। देखो ऐसा कुछ उनका बहुत सारा फ्री आइटम भी, बहुत सारा ऑफर रहता है इनके पास। देखो तो वैसे देखो हम लोग का फाइनली प्लेटर आ गया है, देखो 10 पीस मोमो है, इस मोमो का प्राइस है 149, और इसके साथ सूप भी मिला है। देखो ऐसा नहीं किसी मोमो ही है, मोमो के साथ सूप भी है। अब देखो क्या क्या मोमो है मैं बताता हूँ। ये है नॉर्मल चिकन स्टीम मोमो 2 पीस है, पूरा फ्राई वो है फ्राइड मोमो, ये है चिकन चीज़ मोमो, ये गोंदराज मोमो जो आइटम में बहुत वायरल हुआ था, और ये है चिकन टिक्का मोमो, मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम कभी सुना नहीं चिकन टिक्का मोमो, तो ये आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे चिकन टिक्का मोमो, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। ये कौन से ये लोग आज से 10-15 दिन पहले यहाँ पे फ्राइड मोमो नहीं मिलता था, बटर मोमो मिलता था, बटर चिकन मोमो, बट वो उसका रिव्यू ख़राब था तो वो लोग चेंज करके फ्राइड मोमो कर दिए। तो देखो 10 पीस 149, ऐसे देख कर लग रहा है कि वर्थ है, और सुपर हॉट है, सुपर हॉट चट सॉस के साथ मिला हुआ है 10 पीस। अब खा के इसको टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वहाँ पर सूप भी है, और यहाँ पर देखो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अब खा के देखते हैं, कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। बस इनका चिकन स्टीम मोमो अच्छा है, ढाल ढाल लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है, जैसे मोमो स्पाइसी होता है वो अच्छा लगता है। और मोमो का साइज़ देख लो, ऐसा कुछ मोमो का साइज़ है, मोमो का साइज़ अच्छा है ठीक है, बट और इसका टेस्ट स्टीम मोमो का टेस्ट अच्छा है। ये खा के मेरे को लग रहा है कि बाकी सारा मोमो अच्छा होगा, तो इसका टेस्ट अच्छा है। और इसका स्टफिंग देख लो, अंदर में अच्छा खासा चिकन है, भरती है चिकन। तो ये वाला अभी ये वाला चिकन स्टीम मोमो उनका अच्छा लगा मेरे को। अब एक एक करके सब कुछ खाते हैं, फिर आपको सबका टेस्ट बताते हैं। मज़ा आ रहा है, सॉस के साथ भी खाने में मज़ा आ रहा है, वैसे भी खा सकते हो, हल्का हल्का स्पाइसी लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में। तो गाइस इनका फ्राइड मोमो भी बहुत अच्छा है, फ्राइड मोमो ट्राई किए, इसका स्टफिंग भी मतलब जैसे उस जैसे ये स्टीम मोमो स्टफिंग है ना वैसे ही सेम स्टफिंग है, स्टफिंग और साइज सबका सेम है, खाने में मज़ा आया। फ्राइड मोमो भी अच्छा है इनका, मेरे को दोनों आइटम दोनों अच्छा लगा, और जब भी और अभी तीन आइटम बचा वो ट्राई करते, ये दोनों अच्छा है भाई।
तो वैसे उनका चीज़ मोमो भी अच्छा है। देखो अंदर में चीज़ है, चीज़ का अच्छा फ्लेवर आ रहा है अंदर में, और स्टफिंग तो मैं जैसे बोला सब में सेम ही है इसका। ये भी खाने मुझे चीज़ का अच्छा खासा फ्लेवर आया, चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अच्छा खासा चीज़ डाला हुआ है, चिकन भी अच्छा खासा है, मतलब इसमें कौन चीज़ और चिकन में किसी चीज़ में ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सब कुछ भर भर के दिया हुआ है। और सॉस भी देखो कितना सॉस दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा है, ये आइटम भी अच्छा है। मैं अभी ये तीन आइटम खा के मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई करो। इनका मोमो बहुत अच्छा है, 149 ज़्यादा प्राइस नहीं है, 149 में 10 पीस, वो भी इतना सारा 5 वैराइटीज़ में, ज़्यादा नहीं। तो अभी इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रोस ट्राई करते हैं, लास्ट में टिक्का ट्राई करते हैं। तो गाइस इनका कॉन्ट्रोवर्स मोमो ये भी खाने में अच्छा है, झाल लग रहा है सारा मोमो, इनका लग रहा है झाल है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टफिंग बहुत अच्छा है, इसका स्टफिंग आप देखो, और इसमें हल्का ये जैसे कॉन्ट्रोवर्स मोमो है जिसमें हल्का कॉन्ट्रोवर्स का फ्लेवर आ रहा है, तो ये भी आइटम भी अच्छा है। और इनका चीज़ मोमो ना, मैं साथ एक चीज़ बोलना भूल गया, ये मेरा फोर्थ मोमो है। अब चारों मोमो जूसीनेस है, सारा मोमो खाने में जूसी लग रहा है, जूसी है, अगर जूसी नहीं जाए तो मोमो अच्छा नहीं लगता खाने में, थोड़ा मोमो में जूसीनेस है, मज़ा आ रहा है खाने में, मस्ट ट्राई आइटम, मस्ट ट्राई। तो बस इनका चिकन टिक्का मोमो का आप अंदर का स्टफिंग देखो, ऐसा कुछ इसका चिकन का स्टफिंग है, सारा मोमो में स्टफिंग नॉर्मल था, बट इसका स्टफिंग देखो चिकन अलग ही कलर का, जैसे चिकन टिक्का मसाला होता है उस कलर का चिकन है। तो जैसे चिकन टिक्का का पूरा प्रॉपर फ्लेवर तो नहीं आया, बट अच्छा लगा खाने में, ख़राब नहीं बोलेंगे, अच्छा लगा खाने में। प्रॉपर फ्लेवर तो मोमो देना थोड़ा मुश्किल है, बट ये जो भी जैसा भी अच्छा है खाने, मज़ा आया खाने में। तो इनका पाँचवा आइटम ट्राई किए, बहुत अच्छा है, इसका और कुछ आपको लेके दिखाते हैं। इनका मोमो मस्ट ट्राई आइटम है, आप लोग आके मोमो ट्विटर जरूर ट्राई करो। इनका मोमो में बोल सकते बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी है। अब लास्ट में सूप बचा, आपको सूप पीकर बता देते सूप का टेस्ट कैसा है। ये आपको 5 आइटम बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। इनका सूप भी बहुत अच्छा है, सूप का आप थिकनेस देख लो, ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक है, देखो सूप का क्वान्टिटी भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है सूप में, गर्म है, सूप का टेस्ट भी अच्छा है। ओवरऑल ये प्लेटर मोमो प्लेटर एक नंबर है भाई, 9.5 out of 10 तो भाई पक्का है। ये आइटम बहुत अच्छा है, मस्ट है आइटम है। आप अगर आओ जादवपुर एरिया में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आके मोमो अमोने में आके मोमो जरूर ट्राई करो, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो बस क्या, आप लोगों ने कभी डबल डेकर जिंगर बर्गर खाया? देखो तो यहाँ पे है बर्गर सेक्शन में डबल डेकर जिंगर बर्गर, तो अभी ये लेके देखते हैं। इसका प्राइस है 189। इसमें आखिर है क्या? इसमें शायद बहुत सारा आइटम रहेगा, मोमो रहता है, बर्गर रहता है, चिकन का पैटी रहता है, तो आता है आपको दिखाते हैं उसमें क्या है। तो ये वाला ट्राई करते हैं, मोमो इनका एक नंबर है भाई, 9.5 out of 10 एकदम पक्का है। अभी डबल डेकर खा के देखते हैं कि आखिर वो बर्गर में है क्या। प्राइस है 189। सो गाइस आप देख लो, ये है हमारा डबल डेकर जिंगर बर्गर। अब इनका साइज देख लो, बर्गर का 3 लेयर है, देखो दो सॉस के साथ, एक स्पाइसी सॉस, एक टोमेटो सॉस के साथ दिया हुआ है। खाएंगे कैसे मैं तो वही सोच रहा हूँ। देखो इसका प्राइस है 189। फ्राइड चिकन है और चीज़ वगैरह देखो, फ्राइड चिकन 2-3 लेयर है, फ्राइड चिकन का मेयोनीज है, देखो 2 लेयर फ्राइड चिकन है, एक तो मोमो है, उसके बाद है बर्गर, देखो बन। तो खाना इम्पॉसिबल, तो आपको खोल के दिखाते हैं क्या क्या है। ऐसे इतना बड़ा बर्गर एक साथ खाना पॉसिबल नहीं है, देखो खोल के आपको कितना कुछ है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आता है बन, देखो उसके उसका एक पीस मोमो फ्राइड मोमो है, देखो मोमो के बाद चिकन पैटी, फिर एक मोमो है, देखो चिकन पैटी है, उसके ऊपर मोमो है, और उसके अंडर में उसके नीचे में और एक चिकन पैटी है, फ्राइड चिकन है, देखो ऐसा कुछ है। फ्राइड चिकन देख के टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में सुनो कितना टेस्ट होगा, देखने में भाई बहुत टेस्टी। आप देख लो, हम लोग खा के देखते हैं सर टेस्ट कैसा है।
जो बर्गर है मज़ा आ रहा है। आप KFC में ऐसा बर्गर आपको बहुत आराम से मिलेगा, और KFC से हटकर भी देखो बर्गर ऐसा कुछ बर्गर है जैसे अगर आप वाओ का मोबक खाओगे ऐसा ही रहता है, बस उसमें चिकन पैटी नहीं रहता है। तो वो मोबक का दाम होता है वन पीस का 89.99 ऐसा कुछ नाम प्राइस है उसका। ये देखो बर्गर, उसके अंदर उसका ऊपर एक चिकन पैटी, उसके ऊपर एक मोमो, मतलब सोचो दो चिकन पैटी है, दो मोमो है, उसके ऊपर बन और टोमेटो वगैरह देके बनाया हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और मेयोनीज अच्छी तो भरती है, मेयोनीज बहुत है, आप देखो यहाँ पे भी मेयोनीज पूरा भरती है और इसमें भी पूरा मेयोनीज भरती है। और आप एक बार में उसको खा ही नहीं पाओगे, आपको हाफ हाफ लेकर खाना पड़ेगा। ये आइटम बहुत टेस्टी है भाई इनका, मतलब मोमो और बर्गर दोनों ही बहुत सारे बहुत टेस्टी है। मैं रैप ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इनका रैप वगैरह भी बहुत अच्छा होगा, आप अगर आओ तो रैप वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आइटम है देखो। तो भाई इनका आइटम एक नंबर है, आप एकदम एक नंबर है, आप यहाँ पर आकर जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये हम लोग का लास्ट आइटम है, मतलब खा के आपसे बात करते हैं। यहाँ पे आओ, अगर आप कोलकाता का जादवपुर एरिया में आओ, मोमो वोमो आके आप इनका मोमो जरूर ट्राई करो। बाद में मैं लोकेशन वगैरह सब पूरा आपको टाइमिंग वगैरह सब बताता हूँ। मैं मोमो वोमो का एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ, देखो ये है जादवपुर का एकदम मेन रोड पर। देखो अगर आप इस तरफ चल जाओगे, यहाँ इस तरफ जाते हैं साउथ सिटी मॉल और जादवपुर यूनिवर्सिटी, और इस तरफ चल जाते हैं सुलेखा बोल के कोई जगह है वहाँ पर, यहाँ पर गाड़ी है। तो अगर आप साउथ सिटी अगर आप इस तरफ से आओ तो देखो मोमो वोमो, इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं अपना GPS में दे दूँगा, सबसे ईजी रहेगा जादवपुर। आप इतना माथा उठाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास में ही है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जादवपुर थाना के पास में ही है मोमो वोमो। तो गाइस इसका एग्जैक्ट लोकेशन मेरा GPS में रहेगा। यहाँ पे भाई आगे खाना जरूर ट्राई करो, उनका मोमो वगैरह जरूर ट्राई करो, बर्गर बहुत कुछ है यहाँ पे, सब कुछ इनका सब कुछ अच्छा होगा, मैं एकदम श्योर हूँ सब कुछ अच्छा होगा, बहुत खाने में अच्छा है भाई, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है। सो गाइस इनका मोमो वगैरह ट्राई कर लिए, बहुत टेस्टी था, आपको जैसे दिखाया इनका डबल डेकर बर्गर वगैरह बहुत रिच बहुत हेवी है भाई। आप अकेले मतलब एक पीस मेरे को लगता है नहीं खाओगे, चीज़ मेयोनीज भरती है, दो चिकन पैटी है, दो मोमो है, बन है, तो वो अकेले मेरे को ख़त्म नहीं कर पाओगे। उसका प्राइस है 189, और जो मोमो था भाई वो एक नंबर था। अगर मेरे को बोलोगे बेस्ट मोमो तो मेरे को सबसे अच्छा लगा उसमें फ्राइड मोमो, और जो चिकन टिक्का मोमो था वो भी अच्छा था, नया कॉन्सेप्ट टाइप का है, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे आके मोमो प्लेटर जरूर ट्राई कर सकते हो, फिर इनका वो सबसे फेमस है 149 में 10 पीस मोमो, ख़राब नहीं है वो भी, 5 तरीका का 5 वराइटीज़ मोमो, एकदम ख़राब नहीं, और टेस्ट एक नंबर है। किसी चीज़ में चिकन का स्टफिंग बहुत है, चीज़ में चीज़ का अच्छा खासा स्टफिंग, मतलब कोई ख़राब नहीं है भाई, बहुत अच्छा है खाने में, बहुत अच्छा है। बर्गर भी बहुत अच्छा था, चिकन पैटी फ्राई चिकन पैटी था, मोमो था, फ्राइड मोमो बहुत अच्छा था भाई। यहाँ पे आप अगर ज़्यादा कुछ ना हो यहाँ पे आप जरूर ट्राई करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आओ यहाँ पे आप मोमो वोमो जरूर ट्राई करो। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।